नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन बनाएंगे, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, सॉक्स में, शूज में, कैप में, हैट में, इस डिजाइन को आप चाहे तो बॉर्डर में डालिए, चाहे पूरे स्वेटर में डालिए, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल करेंगे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और ये बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए। ऐसे चार चार फंदे हम गिने तो सिलाई में एक भी फंदा शेष नहीं बचना चाहिए। तो मैंने सिलाई में 16 फंदे डाल रखे हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन आप ध्यान से देखिएगा, डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि डिज़ाइन आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहली लाइन में हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। डिजाइन रॉन्ग साइड से डलेगा और डिजाइन चार लाइन का है, तो हमने पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो अब हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और रॉन्ग साइड से, तो पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा, उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा, उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा। तो एक फंदा उल्टा बुनते हुए और एक फंदा सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन को दोहरा लेंगे। तो पहली लाइन में हमने एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। ये हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और सामने से, तो देखिए पहला फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब ऊन को ऐसे लूप बनाएंगे और इसे सिलाई के नीचे ऐसे रख लेंगे। अब देखिए अगला फंदा सीधा है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए उल्टा है, तो इसे हमें उल्टा बुनना है, लेकिन उसके पहले ऐसे हम खींच के देख लेंगे। ये सिरा खींचने पे खींच रहा है, यानी इधर से हमें बुनाई नहीं करनी है। जो सिरा खींचने पे ना खींचता हो, उस सिरे से हम उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए अगला फंदा सीधा है, तो ऊन दूसरी ओर करेंगे, इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर ऊन को हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब जो सिरा हमने इधर छोड़ा था, उसको ऐसे हम खींचेंगे और अब फिर ऊन को घुमाकर हम अपनी तरफ लाएंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए उल्टा है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर उल्टा फंदा बुनने के बाद अब हमें फिर लूप बनाना है, सिलाई के नीचे ऐसे रखेंगे और फिर देखिए अगला फंदा सीधा है, तो इसे हमें बुनना नहीं है, ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, इसे हम स्लिप करेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए उल्टा है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे, लेकिन उल्टा बुनने से पहले हम इन ऐसे खींच के देखेंगे, जो सिरा खींचते हुए खींचता ना हो, उस तरफ से हम इसे उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है, तो ऊन दूसरी ओर करेंगे, इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर हम ऊन को अपनी ओर करेंगे और जो सिरा हमने दूसरी तरफ छोड़ा था, उसे ऐसे खींचेंगे। देखिए सारे फंदे धागे इधर से दूसरी तरफ चले गए। अब हम
इस धागे को घुमाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर हम लूप बनाएंगे, सिलाई के नीचे ऐसे धागे को रखेंगे। अगला फंदा देखिए सीधा है तो इसे हमें स्लिप करना है। नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। ऐसे उसके पहले उल्टा बुनने से पहले ऐसे खींच के देखेंगे तो जो सिरा खींचने पे खींचता ना हो उधर से हम इसे उल्टा बुनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा है तो ऊन अपनी ओर, ऊन दूसरी ओर, और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, जो सिरा हमने दूसरी तरफ छोड़ा है इसे ऐसे खींचेंगे और फिर घुमाकर ऊन के धागे को अपनी तरफ करेंगे। अगला फंदा देखिए उल्टा है तो इसे उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुनने के बाद फिर हमें लूप निकालना है तो ऐसे लूप लिया, सिलाई के अंदर से ऐसे ले आए। अगला फंदा देखिए सीधा है तो इसे हमें स्लिप करना है। नेक्स्ट फंदा उल्टा है, उसे उल्टा बुनना है, लेकिन उल्टा बुनने से पहले हम ऐसे खींच के देखेंगे जो सिरा खींचने में खींचता ना हो उधर की तरफ से हम इसे उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद फिर ऊन को हम अपनी तरफ कर लेंगे और दूसरी ये धागा जो हमने दूसरी तरफ छोड़ा है इसे ऐसे खींच देंगे। तो हमने ये दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो देखिए तीसरे लाइन में हमें अपना पहला लाइन दोहराना है, यानी देखिए ये फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। सीधे वाले फंदे को सीधा, उल्टे वाले फंदे को उल्टा। जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे, जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदा सीधा बुनते हुए एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने तीसरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारा चौथा लाइन है। तो पहला फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो दो फंदे को छोड़ देंगे। अब देखिए ये फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर हम ऐसे लूप बनाएंगे, सिलाई के नीचे से ले आएंगे। अगला फंदा देखिए सीधा है, इसे हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। अगला फंदा उल्टा है तो हम ऐसे पहले हम खींच के देखेंगे जो सिरा खींचने पे खींचता ना हो उधर की तरफ से इसे उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है तो ऊन दूसरी ओर, इसे हम सीधा बुनेंगे। अब ऊन को वापस अपनी तरफ कर लेंगे और इसे ऐसे खींच के धागे को खींच देंगे। अब देखिए दो फंदे हमारे, दो फंदों को छोड़ देंगे और इन्हीं चार फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। उनको वापस घुमा के अपनी तरफ लाएंगे। अगला फंदा देखिए उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हमें लूप बनाना है, लूप बना के सिलाई के नीचे से ऐसे लाएंगे। अगला फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम स्लिप करेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसे हमें उल्टा बुनना है। उल्टा बुनने से पहले हमें इसे धागे को खींच के देख लेना है। तो इसे उल्टा बुन लिया, उन दूसरी ओर। नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर उनको अपनी ओर कर लेंगे और धागे को खींच देंगे। तो हमारा ये दूसरा लाइन ही है, बस फंदा दो, डिज़ाइन दो फंदा आगे आ गया है। देखिए अगला फंदा उल्टा है, उनको घुमाकर अपनी ओर लाएंगे, अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुनने के बाद हमें लूप निकालना है तो लूप बनाया, सिलाई के नीचे ऐसे रख लिया। अगला फंदा सीधा है तो इसे हमें स्लिप कर लेना है। नेक्स्ट फंदा उल्टा है, उसे उल्टा बुनेंगे, लेकिन उल्टा बुनने से पहले हम ऐसे खींच के देख लेंगे जो सिरा खींचने पे खींचता ना हो उधर की तरफ से हम इसे उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है तो उनको दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे। फिर उनको अपनी ओर कर लेंगे,
धागे को हम जो दूसरी तरफ धागा है उसे ऐसे खींचेंगे और फिर इसे घुमाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं चार लाइनों को हमें दोहराना है। तो इन्हीं चार लाइनों को हमें बार बार रिपीट करना है और एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत है, सामने की तरफ से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ से ऐसा, देखिए पीछे की तरफ से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। डिजाइन बेहद खूबसूरत है और बनाना आसान। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।